जगत के कण कण में समाया हुआ और जगत के कल्याण के लिए प्रत्येक शब्द और स्वर में व्याप्त ओंकार, पुत्री को विदा करते समय कठोर और अहंकारी दक्ष भी दुखी हो गए। कैलाश पहुंचने पर शिवगण प्रसन्न होकर शिव सती की जय जयकार करते हैं और उधर दक्ष महल में पुत्री के लिए चिंतित प्रजापति दक्ष को नारद जी सती की कुशलता और प्रसन्नता का समाचार देते हैं। दक्ष प्रतिवाद करते हैं और शिव के प्रति अपशब्द बोलते हैं, पर नारद को शिव विरोधी शब्द सुनना स्वीकार नहीं। नारद उनके कक्ष से बाहर प्रस्थान करते हैं। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देवजी। प्रणाम भावजवर्णी, प्रणाम। मुझे क्या अपराध हुआ देवजी, जो आप मुझसे मिले बिना ही लौट रहे थे? नारायण नारायण, दक्ष प्रजापति के वार्तालाप में इतना उलझ गया कि मुझे आपका ध्यान ही नहीं रहा। मुझे क्षमा करना भावज। देवजी, मुझे भी वो सब बताइए जो आपने अपने खाताश्री से कहा। अर्थात आपने हमारी कुछ कुछ बातें सुन ली हैं। कुछ कुछ सुन ली है, परंतु ये बताइए कौन सा शुभ संदेश लेकर आप उन्हें बताने आए थे? प्रणाम देवजी। देवियों सुखी रहो, भगवान विष्णु तुम सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हमारी बहन सती का कोई संदेश लाया है देवश्री। नारायण नारायण, तुम्हारी बहन सती शिवजी की संगिनी बनकर संसार का सर्वोत्तम आनंद ले रही है और इससे अधिक हम कुछ नहीं बताएंगे। नारायण नारायण। इससे अधिक हम कुछ जानना भी नहीं चाहती। हमारी बहन सुखी रहे, बस यही हम सबकी इच्छा है, क्यों माताश्री? हाँ बेटी, आज देवजी ने ये शुभ समाचार सुनाकर हमारी सारी आशंकाओं का अंत किया है। आप हमारे धन्यवाद के पात्र हैं देवजी। धन्यवाद के पात्र है तो देवजी का अतिथि सत्कार तो होना ही चाहिए। आइए देवजी, आज हम सब आपका मुंह मीठा कराएंगे। नारायण नारायण। देवियों, ये शुभ अवसर अब तुम्हारे विवाह में ही आएगा, अब मुझे आज्ञा दे। सुनिए तो देवजी, इन देवियों के विवाह की तैयारियां कीजिए, अन्यथा विलम्ब हो जाएगा भावे। नारायण नारायण। रोहिणी, नारद जी किसके विवाह की बात कहकर गए अभी अभी? मैं क्या जानू, तुम ही पूछ लो ना माताश्री से। तुम सबके विवाह की बात कर रहे थे देवर जी, और उनकी भविष्यवाणी कभी असत्य नहीं होती, समझी? देवर्षि नारद ने वीरणी, दक्ष तथा उनकी कन्याओं की समस्या का समाधान तो किया, किंतु रति शिव सती विवाह में सम्मिलित न होने के कारण चिंतित है। स्वयं कामदेव आकर रति को शांत करते हैं और स्पष्ट करते हैं कि उन्हें विवाह में न सही, शिव सती ने भौतिक इच्छा उत्पन्न करने के लिए तो कैलाश जाना ही है। ये तुम कहाँ हो रति? रति, तुम कहाँ हो प्रिय? रति, तुम कहाँ हो? रति, रति, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो प्रिय? प्रिय, तुम कहाँ हो? अरे तुम यहाँ हो, क्या बात है रति, तुम मुझसे रुष्ट हो? अरे कुछ तो बोलो, तुम्हारा ये मौन मुझे व्यथित कर रहा है। हाँ, मैं आपसे रुष्ट हूँ। मेरी त्रुटि? शिव सती के शुभ विवाह पर स्वर्ग की सभी देवी देवता और अप्सराएं सम्मिलित हुई, किंतु ना आप गए ना ही मुझे जाने दिया। क्यों स्वामी? इसलिए कि हमें ऐसा ही आदेश। किसका? परमपिता ब्रह्मा जी का। उन्होंने कहा था कि हमारी उपस्थिति की आवश्यकता शिव सती विवाह के पश्चात की है। इस बात से परमपिता का तात्पर्य? हमें ही अपने हाव भावों, संकेतों और पुष्प बाणों की वर्षा से शिव और सती में मिलन इच्छा जागृत करनी होगी। उन्हें दाम्पत्य धर्म के निर्वाह के लिए
प्रेरित करना होगा। देव मन्मथ, देवी रति, परमपिता ब्रह्मा जी ने हम तीनों को तुरंत कैलाश पर्वत पहुंचने का आदेश दिया है। वसंत, परमपिता ब्रह्मा के आदेश का पालन हम अवश्य करेंगे। हम तीनों कैलाश जाएंगे। राजभवन का सुख भोगने वाली सती को कैलाश आकर प्रसन्नता हुई या नहीं? स्वामी, आपके चरणों में जो स्थान मिल गया है, इससे अधिक प्रसन्नता और क्या होगी?
के दर्शन किए अथवा नहीं? प्रभु, वो एक अद्भुत दृश्य था। उस आनंदमय रूप में अलौकिक नवदंपति को देखना स्वयं में एक विचित्र अनुभव था। तो क्या आप इस आनंद लीला का रहस्य समझे नारद? नारायण नारायण, मैं बाल ब्रह्मचारी भला इस गूढ़ रहस्य को कैसे समझ पाऊंगा? श्री हरि, आप इस पर तनिक प्रकाश डाले तो अच्छा होगा। यह प्रकृति और पुरुष का संगम है। इनकी यह आनंद लीला सृष्टि में नूतन घटनाओं का सृजन करेंगी। क्या इस सृजन का संबंध विष्णु प्रिय लक्ष्मी के आगमन से है? देखिए आगे क्या होता है। सत्य है प्रभु, सत्य है। भविष्य की बात तो भोलेनाथ ही जाने, परंतु श्रीहरि, आपके मन की बात कुछ कुछ मैं समझ गया हूँ, परंतु शिव सती की लीला का रहस्य समझना निस्संदेह कठिन है। नारायण नारायण। क्या देख रही हो देवी? देख रही हूँ आपकी आंखों में छलकते प्रेम को। ये तो तुम्हारी आंखों में छलकते प्रेम का प्रतिदान है। जो जितना देता है उतना ही पाता है। मैंने आपसे बहुत कुछ पाया है स्वामी। कितना ये मैं बता नहीं सकती। चलो देवी, पृथ्वी विहार करने चले। पृथ्वी विहार? स्वामी, ऐसा प्रतीत होता है कि आपने मेरे मन की बात पढ़ ली है और उसकी पूर्ति के रूप में प्रस्ताव रख दिया पृथ्वी विहार। सच तो यह है देवी, सगुण रूप में तन भले ही दो हों किंतु आत्मा तो एक ही है, मन भी एक ही है और विचार किए थे। अब चलो पृथ्वी विहार के लिए चलो। संकट में पड़ जाता है। किंतु ऋषि तो वही होता है जिसने काम क्रोध मोह को जीत लिया हो, और ऋषि दुर्वासा का क्रोध तो तुम चुपचाप देखती जाओ। इनके कृत्य से तुम्हें इनका सही परिचय मिल जाएगा। वो देखो दीदी, उस ओर से जो स्त्री आ रही है वो विद्याद्री चित्रांगदा है। अब तनिक देखो क्या होता है।
मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारा कल्याण हो। इस अकिंचन की ओर से ये श्रद्धा सुमन आपको अर्पित है, इन्हें स्वीकार करें। मैं ऋषि वैरागी उस विद्याधरी से पुष्पमाला लेना और उसका प्रयोग करना मुझे शोभा नहीं देता। अब मैं इस पुष्प